क्यों हुए थे प्रशांत नर्वस, किसने रची फिल्म की कहानी, क्या हमें दिखेगा ब्रोमेंस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म सालार डायरेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में प्रभास और श्रुति हसन दिखाई देंगे। फिल्म के लिए प्रभास हाल ही में वेट लॉस कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत प्रभास की बॉडी पे पोस्ट प्रोडक्शन काम नहीं करना चाहते। इस वजह से प्रशांत काफी नर्वस हैं और चाहते हैं कि प्रभास एक अच्छे फिजिक में आए जिससे उनके शूट प्रशांत अच्छे से शूट कर सकें। प्रभास वेट लूज करने में लगभग लग गए हैं और काफी जल्द हमें अच्छे फिजिक में नजर आएंगे, लेकिन प्रभास एक अभी माइनर इंजरी को लेके फेस कर रहे हैं जिसे वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। रिकवरी के लिए वो स्पेन गए, लेकिन अभी उन्हें कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने को कहा गया है। रही बात फिल्म के शूट की, तो शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग तेलंगाना में शूट होनी शुरू हो चुकी है। अब तक 30% शूटिंग हो चुकी है। फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल फरवरी 2021 में रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म अभी हॉट पर आ चुकी है। प्रभास की राधेश्याम और प्रशांत की KGF 2 के रिलीज के कारण खबरों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग इस साल रैप अप हो जाएगी और 2023 में रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म के शूटिंग को लेके कुछ खबरें। अब हम बात करेंगे किसने लिखी फिल्म की कहानी। तो दोस्तों, ये फिल्म की रचना डायरेक्ट प्रशांत नील ने खुद ही की है। प्रशांत नील काफी क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर हैं। उनकी रची सारी फिल्म्स सुपरहिट रही हैं। प्रशांत की पिछली फिल्म KGF के हिट जाने से इस फिल्म से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और प्रशांत और एक्टर प्रभास के ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया है। प्रशांत की लिखी ये कहानी ओरिजिनल है और ना ही किसी फिल्म का रीमेक। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। अब हम बात करेंगे फिल्म के कैमियो की। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन कैमियो के रूप में दिखाई देंगे। प्रभास काफी खुश हैं इस मलयालम एक्टर को लेके इस फिल्म में। ये फिल्म का प्रोडक्शन यूवी क्रिएशन ने ग्रैंड स्केल पर किया है, 200 करोड़ के बजट के साथ, जिसमें वो 20 करोड़ का बजट सिर्फ एक बीच पे होने वाले एक्शन सीन के शूट करने के लिए लगा दिए। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की पीछे की भुवन गौड़ा को दी गई है। यूवी क्रिएशन ने कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जैसे मिर्ची, राधेश्याम, साहो, रन राजा रन और हैप्पी वेडिंग। अब देखना ये रहेगा कि कैसी होगी इस फिल्म से इनको प्रॉफिट, क्योंकि इनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म में से कोई भी फिल्म इतनी हिट नहीं रही सिवाय मिर्ची के। इसीलिए ये फिल्म उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फिल्म रहेगी। फिल्म सालार एक्शन और इमोशन पैक्ड होगी। इस फिल्म का एक्शन पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। KGF की सक्सेस को देखकर इस फिल्म में डार्क सेंट्रिक थीम यूज होगी और ये टेक्नोलॉजी फिल्म तैनात, बैटमैन ट्रायलॉजी और मैट्रिक्स, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फिल्म की इमेज और भी बढ़ जाएगी। इस फिल्म में हमें प्रभास और श्रुति के अलावा पृथ्वीराज, सुकुमारन, ऐश्वरी राव और जगपति बाबू दिखाई दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज इस फिल्म में प्रभास के दोस्त के किरदार करेंगे, लेकिन अलग तरह से। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ा में नजर आएगी। ये फिल्म प्रशांत की पहली फिल्म है तेलुगु में। ये फिल्म के OTT राइट्स के लिए 200 करोड़ की ऑफर हुई थी। इसके साथ एक और बड़ा सवाल रहेगा कि KGF के वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ के कलेक्शन से इस फिल्म के कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी सालार को लेके कुछ खबरें। इस फिल्म के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिल्म के आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।